तो हमारी बसंती निकल चुकी है और तो खेतों में यूरिया डाला जाता है और ये तो गाड़ी में भी यूरिया डाला जा रहा है। गले 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 मिल जाता है। और ये रही हमारी कॉफी और ये रहा ये कैसे बोलते हैं कैसे खुलता है रॉकेट साइंस छोड़ना है कोई। मेरा फेस वॉश और ये रहा मेरा बर्फ, रहा नाश्ता, ये शायद सेव क्या बोलते हैं इसे, सेव भाजी, ये रहा सलाद, ये रहा पनीर की सब्जी और ये कचौड़ी और वो क्या है और ये चाय बन के रेडी रहे अमन भाई जो सोए हुए हैं अपने कॉल पे लगे हुए हैं। क्या बोला बोनट है ये भी खुल चुका है, गाड़ी को रखते हैं बसंती की तरह। बाय बाय भैया, बाय बाय, चलते हैं। ठीक ठीक, यहाँ ट्रेनिंग चल रही है कराटे की। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आपका भाई अभी साई भोजनालय के पास रुका हुआ है और ये शायद कहाँ है, ये कन्नौज के पास है ये, और अभी हम कन्नौज के पास है और रात भर ट्रक ही में सोया था, वो रही अपनी ट्रक। और अभी हम लोग आए हैं चाय पीने और चाय पी के यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ, मतलब कन्नौज मार्केट आगे पड़ेगा। और वो रहे भैया जी और वो अंकल जी जो रात को मिले थे, तो अभी थोड़ा मुंह धो लें और उसके बाद। तो हमारी चाय आ चुकी है और ये रही हमारी चाय सुबह सुबह, और अभी ट्रक मतलब रात से चली तभी रुका है और अभी जाके चाय पी रहे हैं हम भैया और अंकल जी। तो चाय पीते हैं और इसके बाद क्या करते हैं अंकल जी जो बताएंगे और भैया जो बताएंगे जो प्लान होगा वो भी आप हम आपको बताएंगे। तो चाय पीने के बाद हम फ्रेश हो गए और फ्रेश होने के बाद बगल में एक छोटू मिला था दुकान पर, इसका ये दुकान है, तुम्हारी दुकान है छोटू, आपका नाम एहसान आलम, ये छोटू है जो यहाँ पे था, इसे ही मैंने पूछा तो इसने बताया कि फ्रेश हुआ हो, ये फ्रेश हो गया और छोटू से मिलकर अच्छा लगा। और तो छोटू एक बार सबको हाय बोल दो, हाय बोलो सबको, हाय, और बोल दो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब कर। और ऐसे ही हमारी जिंदगी कट रही है अभी, और अभी यहाँ वो हमारी ट्रक रही और चाय पी के अंकल जी वहीं पे गए हैं, तो वहाँ ट्रक के पास चलेंगे और मतलब कि यहाँ नाश्ता करेंगे हम लोग या आगे करेंगे पता नहीं। अंकल जी बोले थे कोई ढाबा है बाबा का ढाबा, वहाँ बहुत अच्छा नाश्ता देता है, पता नहीं वहाँ चलेंगे क्या। तो अभी तो फ्रेश हो चुके हैं और मुंह भी धोना है तो मुंह धोएंगे और उसके बाद आगे का प्लान, मुझे एटा उतरना है, एटा उतरने के बाद अमन के पास चलेंगे, अमन मेरा दोस्त है जो वो भी यूट्यूबर है उससे मिलेंगे और उसके बाद ही आगे का प्लान बनाएंगे हम लोग। तो हम अभी आगे आए थे तो गाड़ी में यूरिया ख़त्म, मैंने सुना था खेतों में यूरिया डाला जाता है और ये तो गाड़ी में भी यूरिया डाला जा रहा है। और आपको दिखा दिए हैं जो गाड़ी में यूरिया डाला जाता है जिसे प्रदूषण फ्री गाड़ी रहती है, और ये नई गाड़ी है और ये नई ट्रक है आपको दिखा दूं, और इसलिए इसमें यूरिया डाला जा रहा है। और यूरिया कैसा होता है गाड़ी में डालने वाला हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी गाड़ी में यूरिया डाला जा रहा है और यूरिया आपको दिखाते हैं, ये यूरिया लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो लगा पानी है लेकिन ये यूरिया है। और इसे देखिए गाड़ी में डाला जा रहा है जिससे प्रदूषण नहीं होता है। तो अभी हम आ चुके हैं गुप्ता जी के ढाबा पे और ये रहा गुप्ता ढाबा और वो रहा हमारा ब्रश, और यहाँ ब्रश व्रश कर ले हम लोग, और ये रहा मेरा फेस वॉश और ये रहा मेरा ब्रश, और ब्रश व्रश करके यही नाश्ता वास्ता करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। तो हम वो धो लिए और अंकल जी भी नहा लिए और भैया भी नहा लिए और हमारा नाश्ता भी आ चुका है। और ये रहा नाश्ता, ये शायद सेव क्या बोलते हैं इसे, सेव भाजी, दाल रोटी, दाल तड़का, रोटी और सलाद। और क्योंकि मुझे सेव भाजी, मुझे पता नहीं था कि वो सेव भाजी है, मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ और ये सेव भाजी मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने देखा भी नहीं और ना खाया था। तो खा के फिर आपको टेस्ट बताता हूँ कैसा टेस्ट है क्या है, खाने के बाद एक्सपीरियंस करने के बाद आपको बताता हूँ। तो मैंने खाना खा लिया और ये जो सही इसे क्या, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे क्या बोलते हैं, सेव भाजी और दाल, इसका भाई साहब स्वाद पूछिए मत, एक नंबर का स्वाद था। तो अभी हम ट्रक में आ चुके हैं और खाना वाना खा लिया और खाना बहुत ही टेस्टी था और पेट भर गया। और ये रहे भैया और अभी हम चले हैं गाड़ी धुलाने, और वहाँ गाड़ी में कम से कम एक डेढ़ घंटा लगेगा धोने में, और जितना टाइम लगे चलते हैं। और वो एक और हमारी जो अंकल जी की गाड़ी है जा रही है, देखिए आगे वही अंकल जी की गाड़ी है। तो फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ गाड़ी धुलने वाली थी और ये गाड़ी धुल रही है अपनी, और ये गाड़ी का जो आगे वाला बोनट है ये भी खुल चुका है, और गाड़ी देखिए कितनी साफ़ सुथरा दिख रही है और कब से धुल रही है, आधे घंटे से धुल रही है। और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था इसी कारण मैं फ़ोन चार्ज कर रहा था, और वो गाड़ी धुल रही है। और ये रही अपनी दूसरी गाड़ी, ये भी कुछ देर बाद धुलेगी। तो हमारी बसंती निकल चुकी है और साफ हो गई, देखिए कितना साफ दिख रही है। तो हमारी गाड़ी धुलने के बाद अब हम लोग एटा की तरफ जा रहे हैं, और ये देखिए गाड़ी कैसे चमचमा रही है, अंदर से भी सब खोल के धुलवाया गया, नीचे भी धुलवाया गया,
और हम सीधा जा रहे हैं एटा की ओर। और ये हमारे भैया मतलब बहुत अच्छे से गाड़ी को रखते हैं बसंती की तरह, क्या बताएं मतलब साफ सुथरा, क्योंकि जो बालू ढोने वाली गाड़ी है उसी एक बहुत अलग है। और इसका जो केबिन है वो भी बड़ा है, अब वो केबिन दिखा दें, केबिन बहुत बड़ा है। तो अभी चलते हैं एटा की तरफ। तो अभी हम एटा से 6 किलोमीटर पीछे हैं और अभी एटा हमसे 6 किलोमीटर आगे है। और अभी यहाँ एटा के पहले चाय रुक के पी रहे हैं, और ये रहे अंकल जी और ये रहे भैया। और हमारा सफ़र शायद अब यहीं तक का था, और इससे आगे 6 किलोमीटर तक और सफ़र है, उसके बाद हम लोग का सफ़र ख़त्म। तो भैया को टाटा बाजार बोलेंगे, तो पहले चलते हैं भैया पेट्रोल पंप पर तेल लेंगे, उसके बाद चलेंगे हम एटा की तरफ और भैया को बाय बाय भी बोलेंगे। तो हम एटा में अंदर 1 किलोमीटर आ चुके हैं और भैया हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो बाय बाय भैया, बाय बाय, और फिर मिलेंगे कभी। भैया बोल रहे हैं आपका यात्रा मंगलमय हो। तो अभी चलते हैं हम लोग एटा की तरफ और यहाँ से लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एटा ज़्यादा दूर है नहीं, एटा बहुत पास है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर। लिफ्ट मिल जाए तो सही है। और वो रहे अंकल जी हमारे, वो भी जा रहे हैं। बाय बाय अंकल जी को बाय बाय बोलते हैं। हाँ फिर मिलेंगे कभी, हाथ मिला चलते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो अब अंकल जी भी जा रहे हैं और अब यहाँ से निकलते हैं एटा की तरफ। तो हम अभी जा रहे हैं एटा की तरफ, तो स्टेडियम यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। तो अमन बोला कि पवन भाई स्टेडियम तक आओ, मैं आ रहा हूँ। तो वो स्टेडियम के पास आ रहा है, हम लोग पैदल ही चलते हैं क्योंकि स्टेडियम 1 किलोमीटर है, कुछ ज़्यादा खास दूर है नहीं। तो चलते हैं स्टेडियम की तरफ जो 1 किलोमीटर दूर है, और वहीं अमन आ रहा है बाइक से, रिसीव कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ से आ रहा है, देखते हैं चलते हैं। तो अमन भाई आ चुका है और शिवम भाई भी आ चुके हैं, एक बार हाय बोल दो और हाथ मिला लो पहले यार। हाँ मेरी जान, बहुत गले 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 मिलते हैं पहले। चलते कोई वेट कर रहा है, बंदी वेट कर रही है। तो हम अमन के घर आ चुके हैं और वो रख दिए बैग हमने, और अब चलते हैं हम लोग घूमने, और चलते हैं मार्केट की तरफ घूमेंगे। और यहाँ एक मतलब कि पूरे एशिया का ऐसा बोला जाता है या भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है, उसे भी एक्सप्लोर करेंगे, उसका अलग से ब्लॉग लाएंगे। तो चलते हैं अभी घूमने। तो हम अभी आए हैं अमन भाई के साथ घूमने, तो हमारे कुछ भाई लोग मिले, और ये अमन भाई के दोस्त हैं और जो मुझे पहले से पहचानते भी थे, लेकिन मैं तो आया तो पहले पहचानता हूँ। भाई आपका नाम? सनी। सनी भाई। और भाई आपका नाम? तालिब। तालिब भाई, और इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा, और मिला तो ऐसा नहीं लगा कि ये पहले से नहीं जानते थे, मतलब घुल मिल गए सब, बहुत अच्छा लगा मिलके। अभी चलते हैं पार्क में, और कहीं पार्क है चलते हैं पार्क दिखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी हम पार्क में आ चुके हैं और वो रहे अमन भाई उधर जा रहे हैं और हम जा रहे हैं इधर, कुछ बच्चे कराटे वराटे सीख रहे हैं, आपको भी दिखा दें। वो देखिए बच्चे कराटे वराटे सीख रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग चल रही है कराटे की, और बहुत ज़ोरों शोरों से, छोटे बच्चे भी हैं, सानने बच्चे भी हैं, वो साइड ट्रेनर है वहाँ पर खड़े हैं। तो ये रहा पार्क, आपको पार्क एक बार राउंड से दिखा दूँ, और यही है एटा में पार्क। और अमन भाई के पास चलते हैं अभी, और फिर यहाँ से प्लान बनेगा। एक मंदिर है जो ऐसा बोला जाता है सबसे बड़ा शिवलिंग है, पता नहीं यूपी का या एशिया का या पूरे भारत का, अमन भाई से पूछते हैं, पता करते हैं, उसके पास चलेंगे शिवलिंग का, उसका भी एक प्रॉपर ब्लॉग ला के आपको देंगे। चलिए पहले चलते हैं अमन भाई के पास। तो अभी हम फिलहाल पार्क से आ चुके हैं और अभी हम अमन के घर पे हैं, और ये रहा अमन, अमन एक बार फिर चाय बोल दो। और ये रही हमारी कॉफ़ी, और ये रहा, ये कैसे बोलते हैं अमन, कैसे बोलता है, रॉकेट साइंस छोड़ना है कोई। ये रही हमारी नमकीन, तो इसे हम पी के और खा के फिर आपसे मिलते हैं। अभी हम फिलहाल किचन में हैं और हमारे खाने के लिए ये क्या है अमन भाई, तुम ही बताओ, मुझे नहीं पता। ये है पूड़ी, ये सब्जी, ये सलाद, ये रसोगुल्ला। रसोगुल्ला कहाँ से आया है? ये मतलब भैया है हमारे डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर, उनके वहाँ पर क्या कहते हैं लंच वगैरह में दिया जाता है, तो वही भैया खुद नहीं खाए हमें दे दी, तुम खाओ। ये है भैया का प्यार, बोले मजे लो। तो अब हमारा खाना खाने का टाइम हो चुका है, और ये रहा हमारा खाना, और ये रहा सलाद, ये रहा पनीर की सब्जी, और ये कचौड़ी, और वो क्या है, आलू, आलू फ्राई, आलू फ्राई आलू। और अमन भाई खा रहे हैं। इसी गोले के हो तुम? नहीं हम इसी गोले के तो नहीं है, हमारा स्पेशल गोला है, उसे हम चोखा बोलते हैं, उसे हम चोखा बोलते हैं, उसे हम चोखा बोलते हैं, उसे आलू को, हाँ आलू चोखा, आलू चोखा बोलते हैं, आलू को चोखा नहीं बोलते हो जैसे जिस तरीके से। अच्छा, हाँ अंदर से भर दो तो बन गया लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा। हेलो,
तो अब हम आपसे खाना खा के मिलते हैं। तो अब अभी मार्केट में आए हैं चाय पीने, मैं और अमन भाई, और ये हमारे भाई का नाम भूल गया मैं, तालीम भाई, और इसमें हमारे सनी भाई, और ये रहा चाय का स्टॉल। और चाय अभी हमारा बन रहा है, और ये चाय बन के रेडी शायद हो चुका है, और तो हम चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद चलेंगे घर। तो अभी हम घर आ चुके हैं, और हमारा सोने का व्यवस्था जो अंदर हुआ है, और आपको दिखा दे, ये रहे अमन भाई जो सोए हुए हैं, अपने कॉल पे लगे हुए हैं और यहीं पे हम सोएंगे, और फिर अब हम सोने का उपाय लगाते हैं, और कल सुबह में निकलना भी है, पता नहीं 5 बजे ये बोल रहे हैं निकलने के लिए या 3 बजे, मतलब सुबह ही में निकलेंगे, कोशिश करेंगे। ब्लॉग आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कितना बजे निकले हैं हम लोग। तो सो गाइस, इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त करते हैं, तब तक लिखिए टाटा बाय बाय।